हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। जब हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कोई साइट पे एक्सीडेंट होता है या काम के हवाले से भी कोई तकलीफ होती है, तो एग्जीक्यूशन टीम सबसे पहले उनका फोकस HSC के ऊपर होता है, सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर होता है, सेफ्टी इंजीनियर के ऊपर होता है। तो इन बातों से बचने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर कोर्ट में जाने से कैसे बच सकता है, जेल में जाने से कैसे बच सकता है, मैं आपको कुछ हदायत बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ प्रिकॉशन बताऊंगा, इसको आप समझिए तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। वी डोंट नो द सिचुएशन बट प्रिकॉशनरी मेजर इट इज़ द बेटर फॉर यू। तो आप समझ सकते हैं कि सेफ्टी प्रोफेशनल को इन चीज़ों को याद रखना है। कभी भी साइट पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उन चीज़ों का रिपोर्ट इमीडिएट आपको करना है, और रिपोर्ट करने के बाद आपको एविडेंस रखना है, क्योंकि वो लोग बोल सकता है कि सेफ्टी ऑफिसर ने हमें रिपोर्ट नहीं किया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। जैसे टिप्स है कि ये हमेशा याद रखें कि आप HSC प्लान, HSC पॉलिसी, HSC प्रोसीजर, जो गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन है, इन चीज़ों को आप पढ़ना है और उसे समझना है। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आप अपनी डायरी में लिख के रखना है। कोई भी इश्यू है उसे हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ या इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं, तो प्रूफ के साथ, वर्बल नहीं, वर्बल का कोई वैल्यू नहीं है। कोशिश करें ईमेल के जरिए आप रिपोर्ट करें, क्योंकि ईमेल के जरिए एक आपको प्रूफ हो जाता है। परमिट टू वर्क सिस्टम आप हमेशा उसको चेक करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि परमिट के अंदर वो सारी बातें होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वगैरह का ध्यान रखना है कि वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स एज पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल है कि नहीं। कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो फेक नहीं होनी चाहिए, जो भी यूज़ हो रहा है आपके साइट पे, और आप उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो लास्ट मोमेंट में एवरीबॉडी विल पुट ऑन योर हेड, दे विल ब्लेम ऑन यू। सो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी ब्लेम कर सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए सब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स प्रूफ के साथ होनी चाहिए, जो आपने ट्रेनिंग दिया, जैसे फ्लैगमैन को ट्रेनिंग दिया है या किसी भी पार्टी को जो आपके वर्क साइट पे काम कर रहा है, कोई भी वर्कर जिसे आपने ट्रेनिंग दिया है, फ्लैगमैन, बैंक्समैन, रिगर, स्काफोल्डर, जो भी है, ये आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसे ट्रेनिंग दिया है। और ट्रेनिंग के बाद आप सबको ईमेल करें कि आपने ये ट्रेनिंग दिया है, ठीक है। कभी भी याद रखें कि पिक्चर फॉर्मेट अगर पॉसिबल है तो आप पिक्चर ज़रूर लें। नॉर्मली ऑयल एंड गैस में थोड़ा तकलीफ है पिक्चर लेने के लिए, लेकिन जहां आप ले सकते हैं पिक्चर ज़रूर प्रूफ में रखें। ऐसा नहीं कि यहां पे एक प्रोसीजर है कि जब एक्सीडेंट होता है तो हम एक्सीडेंट का पिक्चर नहीं लेना है, लेकिन एक्सीडेंट का नहीं, जो हमारा प्रूफ है जगह का पिक्चर ले सकते हैं, आदमी का पिक्चर नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि उसका कोई मिसयूज़ करेगा। ध्यान में रहे, टूल बॉक्स स्टॉक जो है, टूल बॉक्स स्टॉक हमेशा आपको चेक करना है, और उसके अंदर सब लोगों ने बराबर साइन किया है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना है। आपके जो लोग साइट पे काम करते हैं उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है कि नहीं, सेफ वर्किंग सिस्टम है कि नहीं, और जो भी सेफ वर्क्स है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ताकि एक्सीडेंट में बचा जा सके, ठीक है। एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस जो भी पहले हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। वर्क एट हाइट वगैरह है तो फॉल आरएस सिस्टम या जो भी है उसका इंस्पेक्शन सही तरीके से होना चाहिए, ताकि कोई भी उसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं हो और कोई भी उसके अंदर कमी नहीं हो। अगर कमी होगी तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा कि हमने HSC रखा हुआ है, और HSC ने वर्क एट हाइट का जो भी इक्विपमेंट है, PPEs है, उसको बराबर उसने इंस्पेक्ट नहीं किया है। और लिफ्टिंग के हवाले से अगर काम चल रहा है तो आपको लिफ्टिंग का परमिट देख लेना है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, क्रेन ऑपरेटर, रिगर, और ये
एसेसरीज जो भी है उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आपको देखना है, जैसे डी साइकिल, बो साइकिल, चैन स्लिंग, वेब स्लिंग, चैन ब्लॉक, लीवर ब्लॉक, जो भी है इन चीज़ों का आपको थर्ड पार्टी देखना है। लिफ्टिंग के पहले लिफ्टिंग प्लान वगैरह का देखना है कि ये लिफ्टिंग प्लान अवेलेबल है कि नहीं, किसने साइन किया और उसमें जो पिक्चर फॉर्मेट है वो क्या है लिफ्टिंग प्लान के अंदर, कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ आपको देखना है लिफ्टिंग एक्टिविटी के पहले। और देखना है कि एरिया जो बैरिकेशन साइनेज ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन इंट्री उसके अंदर नहीं करे। देखिए हमारा काम है सिर्फ एडवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ एडवाइज़र होता है, हमें एडवाइस करना है उन लोगों को जो लोग इस जॉब के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वर्क प्लेस में जो भी हाजार्डस एक्टिविटीज है इसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इसके अंदर प्रॉब्लम में नहीं आए। कन्फाइंड स्पेस का काम अगर चल रहा है तो आपको देखना चाहिए कि उसका आइसोलेशन बराबर है कि नहीं, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जा रहा है, और गैस टेस्टिंग के लिए जो है उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं, ऑथराइज गैस टेस्टर है कि नहीं, होल वाचर थर्ड पार्टी है कि नहीं, और जो अपना ऑक्सीजन का मेंटेन, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि एयर ब्लोअर वगैरह भी यूज़ करना है ताकि उसके अंदर से जो भी 1010 गैसेज है उसे बाहर किया जा सके, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो। रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है कि नहीं, और रेस्क्यूअर जो लोग हैं वो सर्टिफाइड है कि नहीं, और उन्हें मालूम है कि नहीं कि रेस्क्यू के टाइम में क्या करना है, हाउ टू डू ए रेस्क्यू इफ द पर्सन ट्रैप्ड इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और रेस्क्यू की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में आपको सही तरह से जानकारी होनी चाहिए। और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बच सकते हैं। देखिए कोशिश ये करना है कि कंपनी क्या करेगी, जब भी एक्सीडेंट होता है तो आपको गल्फ कंट्री में नॉर्मली ऐसा सुना गया है कि सेफ्टी ऑफिसर भी जेल जा सकते हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है तो, ये ध्यान में रहे। टर्मिनेट भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए कि आपको अगर कोई टर्मिनेट करता है, लेकिन आप अपना काम सही तरीके से करना है ताकि कभी भी कोई तकलीफ नहीं आए, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट इन सब चीज़ों को पेपर फॉर्मेट में रखना है, ताकि आप एज ए प्रूफ कभी भी मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, अथॉरिटीज़ को दिखा सकते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन है सेफ्टी ऑफिसर के लिए, अगर आप ऐसा करने से आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपना दूसरा जॉब सर्च कर लें, क्योंकि ऐसे माहौल में आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो एचएससी ऑफिसर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखना है हमेशा, ताकि ऑडिट, इंस्पेक्शन, आपको एक्सीडेंट के वक्त या किसी भी ऐसे वक्त में आपको काम आ सकता है। जैसे एचएससी प्लान का फाइलिंग करना है, एचएससी मैनुअल का फाइलिंग करना है, मेथड स्टेटमेंट, प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, परमिट टू वर्क सिस्टम, लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट से आपको मालूम होना चाहिए, परमिशन एंड अप्रूवल जो क्लाइंट की तरफ से वो आपको मालूम होना चाहिए, एचएससी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, टूल बॉक्स स्टॉक रिकॉर्ड, एचएससी ऑडिट, एचएससी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, डेली एचएससी ऑब्जर्वेशन, एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, नियर मिस रिपोर्ट्स, एचएससी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिपोर्ट्स, एचएससी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, इमरजेंसी मॉक ड्रिल, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, एचएससी मंथली इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ड्राइवर एंड ऑपरेटर्स डिटेल्स, प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, व्हीकल सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। ये कम नहीं है, अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। मैं इसको सिर्फ डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, मैं नंबर्स में बता रहा हूँ आपको। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकलिस्ट जो आपने यूज़ किया है, हेल्थ एंड हाइजीन रिपोर्ट जो साइट के ऊपर है, वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट है, MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट वगैरह है उसको भी आपको रखना है, HSC प्रमोशनल एक्टिविटी यानी HSC अलर्ट, अगर आपने कुछ अलर्ट दिया है तो वो HSC स्टाफ CV अप्रूवल, CV वगैरह का भी अप्रूवल रखना है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि बंदे की क्वालिफिकेशंस क्या है, जो कॉम्पिटेंट स्टाफ लोग हैं वो किस लेवल तक कॉम्पिटेंट हैं।
वार्निंग लेटर का अगर आपने किसी को इशू किया है, सेफ्टी डिफॉल्ट किसी को इशू किया है, तो इन चीज़ों को आप रिकॉर्ड रखना है। कंप्लेन रजिस्टर आपके पास होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया है तो उसका सिग्नेचर के साथ एविडेंस के साथ आपके पास रहना चाहिए। वो COSHH जो होता है कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हजार्ड टू हेल्थ रेगुलेशन, इन चीज़ों का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। फायर प्रोसीजर जो है उसका रजिस्टर और रिव्यू जो किया है वो होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉलिसी वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए। और सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक विद डिवाइस में जी ऐसी जगह रखें ताकि आपको मालूम हो, जो वक्त पे आप इमीडिएट सर्च कर सकें। बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर्स इतना डॉक्यूमेंट्स हो जाता है कि जब भी वक्त आता है तो वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। एंड लास्ट ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर में उसको हाइड करके रखें, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ईमेल के ज़रिए ईमेल में रख सकते हैं और मेमोज बना सकते हैं, लेटर के ज़रिए रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। शॉर्ट रिपोर्ट जो है उसको आप एक फोल्डर बना सकते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट के कहाँ कौन सी चीज़ है, ऐसे आप अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं। जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाएं और जो भी स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, उनके साथ आप जब ट्रेनिंग शेयर करें, जब भी ट्रेनिंग दें, तो उसका प्रूफ अपने पास रखें और सबको ईमेल करें, CC सब आदमी को रहे। एक आदमी को आप जिसे आप रिपोर्ट करते हैं उससे मेन में रखें, बाकी लोगों को CC जरूर करें, ताकि ये आप की कॉम्पिटेंसी जो है एक प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉम्पिटेंट बंदा है। और आपने जो बनाया है प्रेजेंटेशन, जो आपने स्लाइड वगैरह बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया है, ताकि लोगों की नज़र में आ पाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ऐसे आपको कोई भी ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर हमें फोकस करनी चाहिए तो आप हमें बताएँ, मैं ज़रूर आपको फॉलो करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन।